जयपुर का मिनी बज्जी वाला। जयपुर शहर में राम रतन के माता पिता के मरने के कारण उसे उसके मामा चरणदास के पास पलना पड़ा। थोड़े सालों के बाद चरणदास गरीब हो गया, इसलिए वो राम रतन को अपने दोस्त चंदूलाल के होटल में काम पे लगाया। चंदूलाल राम रतन को काम सौंप के उसके काम पे गौर करके थोड़े दिनों के बाद शाम के समय भजिया डालने का काम उसे दिया। राम रतन अलग अलग किस्म के भजियां बहुत अच्छे से बना रहा था। एक आदमी चंदूलाल से राम रतन के बारे में बोलते हुए, ये बच्चा भजियां बहुत अच्छे से बना रहा है, अच्छा काम वाला है और 4 सालों में और माहिर हो जाएगा, तुम्हें बहुत अच्छा काम वाला मिला है, कहकर उसकी तारीफ किया चंदूलाल उससे। बच्चा बहुत मेहनती है और समझदार भी है, सारे काम फटाफट कर देता है। बेचारे के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए, उसके मामा के कहने पर ही मैंने इसे काम पे रखा, अब ये मेरे लिए बहुत काम आ रहा है, कहा। चंदूलाल भी उस होटल को बहुत ईमानदारी से अच्छे क्वालिटी के चीजों का इस्तेमाल करके टेस्टी और हेल्दी फूड आइटम्स बनाकर बेच रहा था। राम रतन के काम की सब तारीफ करते देख मामा चरणदास भी बहुत खुश होता था। थोड़े साल बीते, राम रतन और उसके मामा का बेटा मदन बड़े हुए। एक बार चंदूलाल राम रतन से, आजकल मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, अब से मैं होटल की जिम्मेदारी मेरे बेटे को सौंप रहा हूँ, तुम जैसे मेरे पास काम कर रहे थे वैसे ही मेरे बेटे के पास काम करो, इस महीने से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा रहा हूँ, तुम्हारे वजह से ही हमारा भज्जी होटल इस पूरे जिले में बहुत मशहूर हुआ है, कहा। राम रतन, ठीक है जी, मैं आपके बेटे को आप मानकर काम करूंगा, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना, आपने मुझे अपने बेटे के जैसे मेरा देखभाल किया है, मैं आपका एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगा, कहा। अगले दिन से मंगीलाल होटल चलाने लगा। मंगीलाल पिता चंदूलाल के जितना अच्छा आदमी नहीं था, उसे पैसों का बहुत लालच था। एक बार मंगीलाल राम रतन को बुलाकर, तुम क्या कर रहे हो, उतने उतने दाम के सामान खरीदकर इतने कम दाम में बेचे तो कैसे, अब से तुम राशन मत लाना, मेरे कहे सामान और आटे का ही इस्तेमाल करना। तब तक राम रतन अच्छे क्वालिटी के आटा और पदार्थों का इस्तेमाल करता था, मगर अब मंगीलाल मिलावटी सामान देने लगा, इस वजह से राम रतन के बनाने वाले भजियों का स्वाद बिगड़ गया। एक बार भज्जी खाने आई एक औरत, क्यों रतन, इस भज्जी का स्वाद कम हुआ है या तुम्हारी उम्र बढ़ गई है, कहकर पूछी एक आदमी। राम, लगता है तुमने तेल बदला है, स्वाद में कुछ बदलाव आया है, ऐसे ही चले तो तुम्हारा अच्छा नाम बिगड़ जाएगा, कहा। राम रतन ये सब गौर करके एक बार मंगीलाल से, देखिए आपके दिए सामान का इस्तेमाल किए तो ग्राहक स्वाद खराब हुआ है कहकर मुझे डांट रहे हैं, इससे पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, कहा। मंगीलाल तब, तुम कहना क्या चाहते हो, मैं ही सामान दूंगा, पहले के जैसे तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, कहा। राम रतन तब, तो फिर आपकी मर्जी, ग्राहक कम होकर आपका व्यापार घाटे में चलेगा, कहा। मंगीलाल तब, मेरे व्यापार के बारे में मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पसंद है तो रहो नहीं तो चले जाओ, कहा। इससे राम रतन को बहुत गुस्सा आया, इतने दिन तुम्हारे पिताजी के पास काम करने के कृतज्ञ से आप जो भी सामान दिए तो भी मैंने कुछ नहीं कहा, तुम्हारे पिताजी के जैसे अच्छे आदमी के होटल का नाम खराब होगा सोचकर इतने दिन मैं चुप रहा, अब तुम ही जाने को कह रहे हो ना, मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रहूंगा, मेरी तनख्वाह मुझे दिलाओ, कहकर तनख्वाह लेकर घर आ गया। और जो बीता वो सब मदन से बताया। मदन तब, तुम्हारा अच्छा नाम है, तुम ही कहीं व्यापार शुरू करो, तुम्हें लोन मैं दिलाऊंगा, कहा। राम रतन तब, तुम मुझे भरोसा दोगे तो मैं जरूर एक रेडी पे भज्जी बनाकर बेचना शुरू करूंगा, कहा। ये सुनकर मदन खुश हुआ। मदन एक कंपनी में अकाउंटेंट का काम करता था। वो अपने पहचानत के एक बैंक मैनेजर से बात करके राम रतन को मुद्रा लोन दिलाया। राम रतन जयपुर शहर के एक अच्छे सेंटर में भज्जी बनाकर बेचने लगा। उनमें कई प्रकार के भजियां थे, एक भज्जी, आलू भज्जी, केला भज्जी पकोड़ा, ऐसे तरह तरह के आइटम्स बेचने लगा। बहुत कम समय में ही वो जयपुर का मिनी भज्जी वाले के नाम से बहुत मशहूर हुआ। शाम हुआ तो बस राम रतन के रेडी के पास भीड़ लगती थी, इसे उसकी आमदनी भी बढ़ गई। एक बार एक आदमी राम रतन से, भाई तुम ऐसे कई प्रकार के भज्जी बनाते हो ना, एक छाट भंडार खोले तो और अच्छा रहेगा, उसमें ये भज्जी भी बेच सकते हो, तुम्हें अच्छा रेट मिलेगा और ऊपर से तुम सब क्वालिटी चीजों का ही इस्तेमाल करते हो ना, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारा निवेश है, कहा।
घर आने के बाद राम रतन कस्टमर की बात मदन से कहा तो मदन, हम अब तक जमा किए पैसे बस होंगे क्या देखकर काम शुरू करेंगे। बैंक से लिया लोन भी अब खत्म होने वाला है, कहा। ऐसे राम रतन अपने मामा चरण दास के नाम पे चरण चाट भंडार खोला। वो बहुत अच्छे से चलने लगा। राम रतन बहुत पैसे भी कमाने लगा। बाद में राम रतन बहुत अच्छे से सेटल हो गया और खुशी से जीने लगा।